टाटा सफारी ने लॉन्च किया अपना न्यू वेरिएंट जो कि है टाटा सफारी गोल्ड। ये उन्होंने लॉन्च किया है आईपीएल के लिए बेसिकली, जो कि हो रहा है अभी यूएई में। एंड बेसिकली जो गोल्ड की थीम है वो यूएई को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ऐड करी है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डीवी कारण बाइक की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सप्शिन और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सारी अपडेट्स की जो कि हमें मिलने वाली है टाटा सफारी गोल्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करें इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे आपको इसकी जो ग्रिल है वो पूरी की पूरी गोल्ड फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी। साथ ही जो इसका हेडलैम्प है उसके जस्ट नीचे आपको गोल्ड की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। हम यहीं पर बात करें इसके हैंडल डोर्स के बारे में, तो उसमें भी आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड जो इसका रूफ रेल है वहां पे भी आपको गोल्ड की फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड जो इसका फ्रंट का बोनेट है, बेसिकली जो बोनेट की साइड है, जस्ट आप बोल सकते हैं जो टायर्स के ऊपर वाला एरिया होता है, वहां पे आपको गोल्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, वो भी गोल्ड कलर में। सो यस, हम बोल सकते हैं टाटा सफारी का ब्लैक एडिशन आ गया, बट ये ऑल ब्लैक एडिशन नहीं है, इसमें आपको गोल्ड का भी टच देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पर बात करें इसके अलॉय व्हील्स की, तो इसमें आपको 18 इंच के चारकोल ब्लैक फिनिश के साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, खासकर इस गोल्ड फिनिश के साथ। नाउ बात करें पैनोरमिक सनरूफ की, जो आपको दोनों ही कलर्स है व्हाइट एंड ब्लैक, उसके साथ आपको ब्लैक कलर की पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी। व्हाइट के साथ भी आपको एक डुअल टोन का एक टच दिया गया। बेसिकली जो इसके पिलर्स एंड रूफ है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप ब्लैक के साथ जाते हैं चाहे व्हाइट के साथ जाते हैं, जो आपको यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ मिलने वाली है वो पूरी की पूरी ब्लैक ही मिलने वाली है। नाउ ये तो ही एक्सटीरियर की बात, अब बात करते हैं टाटा सफारी के इंटीरियर की, कि एग्जैक्टली इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले से ही अगर हम बात करें, जो टाटा सफारी का इंटीरियर है वो काफी ज्यादा आपको एक लग्जरी और कंफर्ट दोनों ही चीजें देता है। नाउ अब इन्होंने इस कंफर्ट और लग्जरी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया है। सबसे पहले जो इसके एसी वेंट्स हैं उसमें आपको इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ जो इसका डैशबोर्ड है उसके सामने वाले पैनल पर आपको यहाँ पे मार्बल फिनिश देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं व्हाइट कलर के साथ तो आपको व्हाइट मार्बल की फिनिश देखने को मिल जाएगी, एंड अगर आप चाहते हैं ब्लैक कलर के साथ तो आपको वहां पे ब्लैक मार्बल की फिनिश देखने को मिल जाएगी। एंड दोनों ही इंटीरियर काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इसके एसी वेंट्स हैं वहां पे आपको अराउंड में गोल्ड कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, बेसिकली एक बाउंड्री लाइन सी देखने को मिल जाएगी। एंड जो इसकी मार्बल फिनिश है उसके जस्ट नीचे आपको एक गोल्ड कलर का पैनल दिया हुआ है। सो बेसिकली जो पूरी की पूरी लाइन है वो कंटिन्यू हो रही है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। एंड यही नहीं, फर्स्ट इन द सेगमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड रो दोनों ही आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाली हैं। एंड एक और चीज, जो आपको ये गोल्ड एडिशन है इसमें सिर्फ आपको 6 सीट का ही ऑप्शन मिलेगा, 7 सीट का ऑप्शन आपके लिए नहीं है। नो, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है, इनकेस आप चाहते हैं कि जो आपका थर्ड रो है उसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स हो तो वो ऑप्शन आपके पास है, आप उसको भी करवा सकते हैं। इसमें आपको कैप्टन सीट देखने को मिल जाएंगी सेकेंड रो में। सो जिस तरीके का यहाँ पे आपको इंटीरियर दिया है, जिस तरीके के वेंटिलेटेड सीट्स दिए हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है टाटा की तरफ से। टाटा भी धीरे धीरे अपनी चीजें अपग्रेड कर रहा है। बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेस्टिव सीजन के पास क्या हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल सकता है टाटा सफारी की तरफ से, उसका अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं लग रहा है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या टाटा सफारी लॉन्च करता है ऑल व्हील ड्राइव। फीचर्स की बात करें तो टाटा सफारी गोल्ड में अब आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड इसी के साथ साथ अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, वो भी आप वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अपडेट कर दिया है टाटा ने सफारी में। सो ये सारी चीजें जो कि बदल दी गई है टाटा सफारी गोल्ड में। सो नाउ हम कह सकते हैं कि जो इसका प्राइस है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो टाटा सफारी गोल्ड रहेगी उसका प्राइस आपको अराउंड 28 लाख के अबव भी जा सकता है ऑन रोड। एंड कहीं ना कहीं बात करें, जो टाटा सफारी आपको एक लग्जरी फील देती है वो इससे और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है टाटा गोल्ड में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।